रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट समर। तो सबसे पहले सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज जुम्मे का दिन है और आज मेरे पेपर्स भी फिनिश हो गए हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनल एग्जाम्स से जो कि अब फिनिश हो गए हैं और अब मैं प्रमोट हो गई हूँ 9th में। 8th मुँह से निकल गया, 9th में। तो आज हमारे स्कूल की 2 टीचर्स छोड़ती गई हैं स्कूल और आज बहुत इमोशनल हुआ था सारा कुछ। लेकिन हम लोग ने आज पार्टी भी की, शवारमा पार्टी, बहुत मज़ा आया। तो अब हमारी घर आने लगी हैं गेस्ट, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम कुछ प्रिपरेशन करने लगे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज की प्रिपरेशन शेयर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लुक एट माई ड्रेस, मामा का और मेरा सेम है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सेम ड्रेसिंग करते हैं क्योंकि हम लोग बहने लगती हैं। तो चलें सा करते हैं। यहाँ पे चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ है, बनने लगी हैं अब अंडों वाली सेवइयां। ये जा रहा है जी अंदर भर भर के देसी घी, क्वांटिटी ऑफ देसी घी हालिस। बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं। ये एग्स बॉयल हो रहे हैं और देखते ही देखते सारा बटर मेल्ट हो गया है और अब जाएंगी इसके अंदर इलायची। फिर इलायची को हम कड़कड़ा लेंगे और यहाँ पर अब आएगी सेवइयां। ये सेवइयों को मामा तोड़ रही हैं। यहाँ पे हमने 5 एग्स ले लिए हैं। इसमें अब जा रही है शुगर और अब जाएगा इसके अंदर दूध और अब सारी चीज़ें मामा मिक्स कर रही हैं। और जी चूल्हे पे हमने रख दिया है चिकन अब कुक हो रहा है और यहाँ पर साथ ही मामा ने सेवियाँ ली हैं और ये गई ऑयल में। दूध अंडे और चीनी वाला मिक्सचर भी हो गया है रेडी और यहाँ पर सेवइयां भी हो रही हैं फ्राई और चिकन भी हो रहा है कुक और एग्स बॉयल हो चुके हैं। सारा कुछ इन प्रोसेस है। अब ये अंडे वाला मिक्सचर जा रहा है पैन में, दूध वाला मिक्सचर चला गया है सेवइयों में और अब इसको मिक्स किया जा रहा है, एक जान किया जा रहा है। बस अब इसका ये जो लिक्विडी जो इसकी लुक है ना, वो इसको थोड़ा ड्राई करने है। इतने मज़े की खुशबू आ रही है। सेवियाँ रेडी, तो अब करते हैं इसको डिश आउट। चलो जी, सेवियाँ हो गई हैं रेडी, एक डिश हो गई है रेडी और बाकी भी ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। अब चिकन की तरफ आ जाते हैं। नानो अंडे छील रही हैं, सब काम कर रहे हैं। समर ज़रा शीशे में अपने आप को समर, हेलो चिकन। इसी पानी में चिकन को ड्राई करेंगे और इसकी मैरिनेशन में हम लोगों ने डाला था योगर्ट और बाकी स्पाइसेस वगैरह, इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके रखा था। वैसे ये ना हम लोगों ने एक रेसिपी बनाई भी हुई है ना समर, किस नाम, चिकन रोस्ट आई थिंक, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला मैं लिख दूँगी इस चिकन की रेसिपी भी। ओहो वो ना लेग पीसेस सारे ड्राई हो गए हैं, अब इनको बस थोड़ा ठंडा करेंगे फिर कोटिंग। और यहाँ पे क्रंचीज फ्राई हो रहे हैं और अब देखिए समर क्या कर रही है। समर रानी, तो टेबल सेट हो गया है, देखिए सोइयां चूरा हो गई है मीना, और अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं और इधर अंडा भी फेंट लिया। ये चिकन की कोटिंग है, बिस्मिल्लाह।
ड्रम स्टिक्स भी हो गई हैं रेडी। What is this, Meena? Fish. माशाल्लाह। सब कुछ रेडी हो गया है। बहुत मजा आया प्रिपरेशन करने में और मैरिनेशन अगर आप लोगों ने पहले करके रखी हुई थी तो बहुत जल्दी सब कुछ बनता है। ये हैं समोसे, बॉयल्ड एग्स, दोनों पिज्जास, ये हैं अंडे वाली सेवइयां, दही भल्ले, ये है फिश क्रंचीज और ड्रमस्टिक्स, ये बॉइल्ड सॉरी रोस्ट चिकन है, आप लोगों को मेरी वीडियोस में ज़रूर मिलेगा, मज़ेदार सॉफ्ट। अल्लाह ताला आप सबकी दस्तरखाना को इस तरह ही हरा भरा रखे, आमीन। तो मैं समय मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और हमारे गेस्ट भी अराउंड द कॉर्नर है और आप लोग मेरे पेपर्स के लिए जरूर दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।